हमने इंटीग्रेशन का 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 सारा का सारा वीडियोस आपको अपलोड कर दिया है, पूरे पूरे क्वेश्चंस का, पूरे पूरे एक्सरसाइजेस का। आप उसको वीडियोस में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और रही आज हम 7.6 के बारे में बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ओके, या इसको हम सिंपली बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसी पे सारा का सारा मामला डिपेंड करेगा। हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा इस जो बाई पार्ट्स है 7.6 के, जो जो आपके हमारे 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 प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम आपको थोड़ा सा दो लाइन का कुछ थ्योरेटिकल कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, ब्लू पेन ब्लू मार्कर में आपका स्वागत है। और हम लोग इसमें आज 7.6 के बारे में जिक्र करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप एक बार देख लीजिए, हम लोग बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या सिंपली हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन का मल्टीप्लीकेशन रूल है वो यही है, मल्टीप्लीकेशन रूल है किसका? इंटीग्रेशन का। होता कैसे है सर? देखिए, यू इंटू वी अगर दो हमको फंक्शन दिया हुआ है डीएक्स, ध्यान दीजिए आप, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड, तो इसका जो इंटीग्रल है सर, हम लोग क्या करते हैं, यू को छोड़ देते, अब ध्यान रखिएगा, वी का इंटीग्रेशन लेते हम लोग, u को छोड़ देते, v का इंटीग्रल इंटीग्रेशन लेते, फिर माइनस लगा के बड़ा वाला पेटू वाला इंटीग्रेशन, पेटू मतलब पेटू नहीं, बड़ा वाला इंटीग्रेशन लेते, पेटू मतलब पेटू में समझिएगा, एक बड़ा वाला इंटीग्रल हमने इंटीग्रेशन लिया, अंदर जो भी होगा इस इंटीग्रल का dx एरा, और इसके अंदर क्या होगा, पहले वाले इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालेंगे dy dx ऑफ u, और जो यह पूरा सेकेंड इंटीग्रल दिया हुआ है ये, इस पूरे को हम लोग लिख देंगे v का इंटीग्रल, हो गया, यही हमारा है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। बस हमको यह चूज करना है कि हमको फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है, ये चॉइस भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इस चॉइस को करने के बाद हमको इजीली हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे, यू को हम लोग पहले छोड़ देंगे, वी को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन लेंगे, मोटा वाला बिल्कुल, और फिर इसके तगड़ा वाला, इसके अंदर में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, क्लियर है? और एक बात और, चॉइस ऑफ फंक्शंस, तो ये बहुत जरूरी, चॉइस, ये जो चॉइस है ना सर, फंक्शन का चॉइस हम लोग किस तरह से करेंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा सर, आई लेट, आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले ये डिक्रीजिंग चॉइस है, अगर ये और ये आता है तो सबसे पहले हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ये और ये आता है तो पहले इसको प्रेफरेंस देंगे, मतलब ये डिक्रीजिंग प्रेफरेंस है इस तरह से। तो ये आई हो गया आपका क्या, इनवर्स फंक्शंस, जितने भी इनवर्स फंक्शंस हैं, और ये एल हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, और ए आपका हो गया अलजेब्रिक फंक्शंस, जितने एक्स वाले फंक्शंस हैं अलजेब्रिक फंक्शंस, ये आपको हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और ई आपके हो गए एक्सपोनेंशियल, मतलब ई पर जो पावर होते हैं वो हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आप ध्यान दीजिए, हम लोग इसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको चॉइस मानते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमको लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, या हमको लॉगरिथमिक आ गया हमको एक्सपोनेंशियल आ गया, या हमको अल्जेब्रिक आ गया हमको एक्सपोनेंशियल आ गया, हमको अल्जेब्रिक आ गया हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो हम प्रिफ्रेंस जो यू मानेंगे हम उसको अल्जेब्रिक को मानेंगे और वी मानेंगे इसको, मीन्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हम इसको यू और वी मानेंगे, पहला वाला हमेशा यू, दूसरा वाला हमेशा वी मानेंगे, क्लियर है? अब एक दूसरी बात, अगर कभी कभी यू एंड वी, अगर यू एंड वी दोनों के दोनों सेम फंक्शन हो जाए, तो नंबर वन, अगर बोथ दोनों का दोनों अगर हमको अल्जेब्रिक फंक्शन हो जाए तब, या नंबर टू, दोनों के दोनों बोथ अगर हमको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाए तब क्या करेंगे, तब ऐसे केसेस में तब क्या करेंगे हम लोग? तो चलिए पहले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर हम लोग इस चीज़ को भी देख लेंगे, ठीक है सर? तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कहीं से नहीं लेंगे सर, हम लोग 7.6 के बारे में बात करेंगे, ये कहानी बिल्कुल 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन।
ठीक। तो ये बात आप समझ गए ना कि इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला इस तरह से होता है जो आपको याद रखना है। और चॉइस ऑफ फंक्शन वन और टू किसको मानेंगे, इलेट आपको याद रखना है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको करने के बाद हम लोग जब दोनों फंक्शन सेम हो जाए, बोथ अलजेब्रिक हो जाए या बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग वो बाद में देखते हैं। मामला क्लियर है, एकदम समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन। क्लियर है सर? गुड। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, फर्स्ट क्वेश्चन 7.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है इंटीग्रल, इंटीग्रल हमको दिया हुआ है एक्स साइन एक्स डीएक्स। ठीक, अब बताइए सर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक हम क्या जानते हैं, इलेट जानते हैं ना। तो अलजेब्रिक कहाँ यहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ यहाँ, तो पहले कौन आया अलजेब्रिक, तो उसको क्या मानेंगे वन, मीन्स यू पहला वन, तो डेफिनेटली साइन को कितना मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को टू, टू मानेंगे हम इलेट के हिसाब से तो कहाँ काम करेंगे ना। चलिए हमने इसको मान लिया, हमको पता भी चल गया, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सॉल्व। अब कैसे करेंगे, अब देखिए ऐसा आप हमने पहले बताया था यू इंटू वी इंटीग्रल डीएक्स, तो पहले वाले ये जो वन है ये हमको टू है, तो हम पहले वाले को क्या करेंगे छोड़ देंगे और वी का इंटीग्रल लेंगे, माइनस बड़ा वाला हम लोग क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन लिखेंगे, और पहले वाले का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे डी यू बाई डी एक्स, और फिर दूसरा वाला जो इंटीग्रल है उसको हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग सर पहले वाले को छोड़ देंगे, छोड़ दिया इसको, इंटीग्रल ऑफ कितना लेंगे साइन एक्स डी एक्स ले लिया, फिर माइनस के बड़ा वाला इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ लगा दिया इंटीग्रल बड़ा वाला, अंदर पहले वाले का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और फिर इसी का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, पकड़ में आ गई बात इसके हिसाब से। चलिए एक्स साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, ये जगह माइनस कॉस एक्स होगा नहीं, माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाई डी एक्स कितना वन, और इसका कितना होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये डी एक्स तो रहेगा, ये इंटीग्रल भी रहेगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत? चलिए सर अब हम बात करते हैं माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। तो माइनस एक्स कॉस एक्स होगा नहीं, और प्लस कॉस का कितना होता है सर साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मुझे तो दिखता नहीं है। चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर आपका एक। हम दो के बारे में भी बात कर लेते हैं। दो क्या बोला सर, एक्स साइन थ्री एक्स, इंटीग्रल एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक हम इसको वन मानेंगे, इसको हम लोग टू मानेंगे, कि हम लोग क्या करेंगे इसको छोड़ेंगे, साइन थ्री एक्स का क्या इंटीग्रल माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन लेंगे, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, इसका पहला वाला एक्स, और फिर इंटीग्रल किसका साइन थ्री एक्स डी एक्स, नहीं गुड एक्स साइन थ्री का कितना माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, थ्री क्यों, बिकॉज एक्स का जो कोफिशियंट है वो डिवाइड हो जाता है, माइनस इंटीग्रल इसका वन, इसका कितना माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री डी एक्स, ये डी एक्स तो रहेगा है ना, इसका वन हो गया है, और इसका कितना ये जो आ गया वो इसको हमने यहाँ लिख दिया, अब ये होगा माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा, वन बाई थ्री ऐसे बाहर आ गया, बचेगा कॉस थ्री एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रल है दोस्तों। ठीक है, तो माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स कॉस है अपॉन थ्री प्लस वन बाई थ्री, कॉस का कितना होता है सर साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस, क्यों कॉस थ्री एक्स का कितना साइन थ्री एक्स, और थ्री से डिवाइड क्यों किया, बिकॉज एक्स का गुणांक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया होगा माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन नाइन साइन थ्री एक्स
प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया आंसर। एकदम क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है सर? हाँ एकदम क्लियर है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, ठीक है सर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा, क्वेश्चन 3 बोल रहा इंटीग्रल, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई पर ए एक्स डी एक्स, ठीक है सर। फिर हम लोग बात करेंगे इलेट, इलेट अब बताइए अल्जेब्रिक, तो अल्जेब्रिक तो यहाँ है, अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल यहाँ पर है, तो किसको मानेंगे? 1 अल्जेब्रिक को, तो हमने अल्जेब्रिक को नहीं, इसको 1 माना, एक्सपोनेंशियल को 2 मान लिया। अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हैं। हमने क्या किया सर, हमने एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इंटीग्रल ई पर एक्स डी एक्स लिया, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन यहाँ लगाया डी एक्स, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले वाले फंक्शन का क्या डेरिवेटिव, और ये ई एक्स डी एक्स, पकड़ में आगे बात। चलिए एक्स स्क्वायर ये तो बदलेगा ही नहीं, ई एक्स का इंटीग्रल बदलता ही नहीं, जो है वही है। चलिए ये भी जो है ये नहीं, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव, और ये तो बदलता ही नहीं है डी एक्स, कहानी पकड़ में आ गई, गुड। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 बाहर ले लिए, इंटीग्रल एक्स ई एक्स डी एक्स 2 हमने बाहर ले लिया। फिर अगेन वहीं पर आ गई बात, अल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, फिर हम इसको 1 मानेंगे, फिर हम इसको 2 मानेंगे, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा वाला, और हम एक्स को छोड़ देंगे, इंटीग्रल ई पर एक्स डी एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन लेंगे, बड़ा वाला इंटीग्रेशन लेंगे, इसको बंद कर देंगे, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स, इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स। हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, ये लिख नहीं रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, अब देखिए यह एक्स स्क्वायर ई एक्स यहाँ पर माइनस 2 बाहर रहने दीजिए, एक्स ई एक्स 2 बाहर रहा ब्रैकेट के अंदर, एक्स इसका क्या इंटीग्रल ई एक्स सेम रहेगा, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना, वो इंटीग्रल तो रही 1, और इसका कितना वही रहे ई एक्स, और यहाँ हो गया डी एक्स, हम इसको बंद कर देंगे, इसका इंटीग्रल सेम रहेगा ई एक्स, इसका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 2x ई पर x माइनस माइनस प्लस 2, इसका इंटीग्रल कितना ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं इसका ई एक्स डी एक्स का तो ई एक्स ही हो जाएगा ना, और ये घुसेगा तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ई एक्स ओके, तो माइनस 2x ई एक्स प्लस 2 ई एक्स प्लस सी, हमने सेम लिख दिया यार, सेम लिखने का फायदा क्या हुआ, हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ई एक्स हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अगर हम ई एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट यहाँ से अगर ई एक्स कॉमन ले लेते हैं, ई एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, नहीं और कुछ हो सकता है क्या, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते प्लस सी, तो और क्या कर सकते हैं, रहने दो, जो हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद तो रहे, हम लोग रहने देते हैं, आगे हमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्वायर ई एक्स 2x ई एक्स प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत है? तो सर ये आपका हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग बात कर लेते सर क्वेश्चन नंबर 4 की, चलें क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपने देख लिया बढ़िया से, कोई डाउट कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4,
क्वेश्चन फोर बोल रहा है सर, फोर नंबर इंटीग्रल एक्स लॉग एक्स डीएक्स, अब बताइए लेट एलजेब्रिक यहाँ पर है और लॉगरिथमिक एल ऊपर है, लेट तो हम इसको मानेंगे वन, इसको मानेंगे टू, बिकॉज एल तो पहले है ना, ए से पहले है, इसको वन मानेंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स को छोड़ देंगे, इंटीग्रल करेंगे एक्स डी एक्स, इसको छोड़ेंगे, इसका इंटीग्रल माइनस बड़ा वाला लेंगे इंटीग्रेशन नहीं, और पहले वाले का हम लोग निकालेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रल जितना हमको दिया हुआ है एक्स डी एक्स, पकड़ में आ गई। चलिए लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू नहीं, माइनस इंटीग्रल लॉग का कितना वन बाई एक्स, और इसका कितना एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स नहीं, इसका स्क्वायर बाई टू, और इसका वन बाई, इसका डेरिवेटिव कितना लॉग का वन बाई एक्स, यहाँ से एक्स कट जाएगा तो अंदर कितना बचेगा सर, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई टू, आप बाहर ले लीजिए इंटीग्रल एक्स डी एक्स, क्यों ऐसे एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है सर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस हाफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या सिंपली हम इसको आगे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू हम लोग बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा लॉग एक्स माइनस वन बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक ठीक है, ऐसे हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, लॉग एक्स माइनस वन बाई टू प्लस सी, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो जाइए, बट यहीं तक आपका मामला सॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। चलिए सर, ये आपको आपका था क्वेश्चन नंबर फोर, अब हम लोग बारह में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, क्वेश्चन फोर का मामला क्लियर हो जाता है। ओके सर, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में। ओके, मिटा दें इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कितना है सर, एक्स लॉग टू एक्स। ओके, अब हमको यहाँ देखना है कि लॉग, फिर लॉग, तो लॉग को हम लोग वन मानेंगे डी एक्स है, और इसको मानेंगे टू, तो हम लोग फिर लॉग 2x को छोड़ देंगे डेफिनेटली, इंटीग्रल कितना लेंगे, x dx लेंगे माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन लेंगे सर, कौन सा इंटीग्रेशन लेंगे, बड़ा वाला, हम लोग बड़ा वाला इंटीग्रेशन लेंगे, और इसके अंदर कितना डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x और इंटीग्रल x dx, क्लियर। अब देखिए जगह लॉग 2x एक्स स्क्वायर बाई टू नहीं, माइनस ये हो जाएगा लॉग टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स, क्यों लॉग टू एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू एक्स, और फिर टू एक्स का, फिर टू एक्स का डेरिवेटिव टू, ध्यान दीजिए लॉग टू एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का कितना होता है वन बाई एक्स, वन बाई टू एक्स, फिर टू एक्स का लेंगे तो हो जाएगा टू, और ये तो ऑलरेडी कितना है एक्स स्क्वायर बाई टू तो है ही यहाँ, फिर ये डी एक्स, ये टू यहाँ से कट जाएगा, ये एक्स यहाँ से कट जाएगा, ये एक्स है, एक्स कट जाएगा, तो बचेगा सर लॉग टू एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू बाहर हो जाएगा, वन बाई टू बाहर हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, ये टू टू कैंसिल हो गया, ये एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, टू यहाँ से बात हुई, बचेगा एक्स डी एक्स, एक्स ही बचा खाली। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई डाउट, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कितना लॉग टू एक्स माइनस वन बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया सर आंसर, कोई डाउट, चलिए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर।
चलिए इसी के साथ इसी जो ये जो है आपका 7.6 के इसी इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में 7.6 के रेस्ट क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ आएंगे। ये आपको कैसा लगा ये सेशन, किस तरह का आपको चाहिए, आप किस तरह के क्वेश्चन आपको किस वे में चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।